हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में आपसे भी बात हुई थी कि फास्ट चार्जिंग के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टर्बो चार्जर के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चार्जर होता है उसका वाटेज क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, पब्लिक चार्जर क्या है, हाउस होल्ड चार्जर क्या है, और हाउस में कैसे चार्जिंग होती है, और पब्लिक में कितने वाटेज की चार्जर होती है, और मल्टीपल कार्स कैसे चार्ज होता है। तो उसके बाद हमने आपसे वादा किया कि अगली जो वीडियो बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे कि जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें ज़्यादातर व्हीकल्स में आपको लिथियम आयन बैटरी यूज होता है, तो लिथियम आयन बैटरी ही क्यों यूज होता है इसके बारे में हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी क्यों यूज होता है, एसिड बैटरी क्यों यूज नहीं करते हैं, निकल बैटरी क्यों यूज नहीं करते हैं, तो इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगेन, स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी विजिट करते रहते हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका जो बेनिफिट है वो अदर्स लोग भी ले पाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि लिथियम आयन जो बैटरी होती है उस कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि वो छोटा होता है, यानी कि कम स्पेस में ज़्यादा वाटेज मिलता है, और जिस वजह से उसे यूज करना आसान होता है बनिस्बत अदर टेक्नोलॉजी। दूसरा जो बेनिफिट होता है लिथियम आयन बैटरी का वो ये होता है कि लिथियम आयन बैटरी पर वाटेज कॉस्ट जो होती है इसकी वो सस्ती होती है बनिस्बत अदर टेक्नोलॉजीज के। मैं आपको एक ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस ग्राफ में लिथियम आयन बैटरी की जो प्राइसिंग है पर वाट वो दी हुई है पर किलोवाट के हिसाब से, तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं अदर टेक्नोलॉजी को लिथियम आयन बैटरी के टेक्नोलॉजी से कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। तीसरी चीज़ क्या है कि सिक्योर होता है, सेफ होता है। लिथियम आयन बैटरी को कहीं भी कैरी करना आसान होता है बनिस्बत अदर बैटरी। अब जैसे अगर आप एसिड बैटरी को यूज कर रहे हैं और कहीं पे गलती से वो गिरता है तो उसके फटने का डर होता है, और फटने के बाद उसका जो एसिड होता है वो इधर उधर मतलब बिखरने का डर होता है, जिससे उसके छींटे लगने से मतलब कि नुकसान हो सकता है, लोग जल सकते हैं या कोई भी सामान खराब हो सकता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं है, ये ड्राई सेल की तरह काम करता है, और इसमें चूंकि लिक्विड नहीं होता, लिक्विड की जगह पर पेस्ट होता है, इस वजह से इसके फटने का चांसेस कम होता है बनिस्पत एसिड बैटरी के गिरने के बाद। दूसरा जो मेजर पॉइंट होता है लिथियम आयन बैटरी जो होता है इसका जो मतलब कि यूज करना आसान होता है बनिस्पत एसिड लीड बैटरी के, और ये ट्रेवल करने में आसान होता है, जगह कम लेता है, इसका वेट कम होता है, इस वजह से इसे यूज किया जाता है। दोस्तों, मैं एक टेक्नोलॉजी ग्राफ दिखा रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है वो कैसे एनहेंस हुई है और किस हिसाब से ईयर बाई ईयर ये बैटरियाँ यूज होती है, और लिथियम आयन बैटरी जो है इसका मतलब कि यूज कैसे बढ़ा है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या किसी अदर जगह पर क्यों लिथियम आयन बैटरी को ज़्यादा यूज करते हैं। एक और रीज़न है जो मैं मिस कर गया था कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो मतलब कि वेट उसका जो होता है एसिड बैटरी से कम होता है। तो जो मतलब कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं या कोई भी मूविंग टेक्नोलॉजी में अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर वेट भी काफ़ी मायने रखता है इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि अगर आप कैरी कर रहे हैं और वेट ज़्यादा होगा तो आपको कैरी करने में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मान लीजिए लेकर कहीं जा रहे हैं और वेट ज़्यादा है, बैटरी का वेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर लगेज या पर्सन्स कम एडजस्ट हो पाएंगे क्योंकि पहले ही बैटरी का वेट ज़्यादा है। अगर बैटरी का वेट कम हो जाता है तो ज़्यादा लोग एकोमोडेट हो पाएंगे सेम व्हीकल में, और या फिर ज़्यादा लगेज हम कैरी कर सकते हैं उसी रोड पर और उसी व्हीकल में अगर बैटरी की वेट कम हो जाती है, क्योंकि बैटरी का वेट भी मैटर करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।